हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुझे आज एक आम के प्लांट की रिपोर्टिंग करनी थी। जो आप देख रहे हैं कि ये एक आम का पेड़ है और इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जब हम किसी प्लांट को, परमानेंट प्लांट को लाते हैं, तो वह कैसे प्लांट का हमें चुनाव करना चाहिए। जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो इस तरह के जो परमानेंट फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनके तने को देख करके हमें अंदाज़ा लगा लेना होगा कि वो कैसे हैं। यानी वो थोड़े से मैच्योर होने चाहिए, बहुत पतले दुबले नहीं होने चाहिए। थोड़े से मैच्योर होंगे तो वो स्टेबल होंगे। तो देखिए, मैंने जो ये प्लांट का चुनाव किया है, ये कितना अच्छा है, कितना मैच्योर है और इसके तने कितने मोटे हैं। तो ऐसा ही प्लांट का चुनाव करना चाहिए। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, देखना चाहिए कि वो ग्राफ्टेड है या नहीं, क्योंकि बीज से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें फलने फूलने में काफ़ी समय लग जाता है, और जो ग्राफ्टेड होते हैं वो जल्दी ही फ्रूटिंग पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, दूसरी बात ये हो गई कि वो ग्राफ्टेड है या नहीं, ये देखना। और तीसरी बात है कि उसमें कितने सारे ब्रांच लगे हुए हैं, ये इसका ध्यान आपको देना होगा। यहाँ देख लीजिए, इसके 2-3 ब्रांच निकले हुए हैं। तो ऐसे ही प्लांट का आपको चुनाव करना है। अब रीपॉटिंग करने के लिए जो दूसरी बात है, वो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें पॉट का साइज़ क्या लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये पॉट का साइज़ है 18 इंच, और अभी 1.5-2 साल तक मैं इस 18 इंच के पॉट में ही इस आम के प्लांट को ग्रो करूँगी। एक बार ये फ्रूटिंग कर लेंगे, उसके बाद 1.5-2 साल के बाद जब इसके तने ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और तब इन्हें ज़रूरत होगी रीपॉटिंग करने की, तब मैं इन्हें 22 इंच या 24 इंच के पॉट में रीपॉट करूँगी। तो अभी ये इनके लिए सफिशियंट है। तीसरी जो बात आती है वो है मिट्टी की, कि इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए कि ये अच्छे से फ्रूटिंग पर आ जाए। क्योंकि हम इन्हें नर्सरी से लेकर के घर में आ रहे हैं, घर के एनवायरनमेंट में भी इन्हें एडजस्ट होना है और यहाँ पर इन्हें फ्रूटिंग करना है, तो हमें अपने अंदाज से इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाना होगा, जो कि एक आम के प्लांट के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। मैंने अपनी मिट्टी बनाकर रखी हुई है, आपको देख सकते हैं यहाँ मेरी मिट्टी बनी हुई है और ये कितनी अच्छी मिट्टी है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इन शॉर्ट में मैंने मिट्टी को आज थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया है, प्रोपोर्शन कि मिट्टी किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये गार्डन सॉयल है 50%, कोको पीट है 20%, वर्मी कंपोस्ट है 20%, थोड़ा सा 2 मुट्ठी नीम की खली है, 2 चम्मच बोन मील है, यहाँ पर फंगिसाइड है और ये सुपर फॉस्फेट है। इन सारे का मिक्सचर जब मैं बनाऊंगी तो ये एक आम के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार होगा। इन सबको मिलाकर मैं आज रिपोर्ट करूंगी। इसे मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मिट्टी बनी हुई है जिसमें कि सारे तत्वों को मैंने मिला दिया है, तो इनके साथ मैं रिपोर्टिंग करूंगी। अब रिपोर्टिंग करने में सबसे पहले ये देखना है कि इसमें किसी तरह का होल है या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें होल है और मैंने इसे दिए के टुकड़े से ढक दिया है। और इसमें सबसे पहले मैं 1 इंच मिट्टी डालूंगी। एक इंच मिट्टी की परत में बिछा दूंगी और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी सूखे पत्ते। मैंने पत्ते इकट्ठे करके रखे हैं, इसे मैं इसमें मैं डाल दूंगी। सूखे पत्ते को मैंने दबा दिया है, ये बहुत ही अच्छे से कंपोस्ट बन जाता है और दूसरा इससे मिट्टी बहुत ही हल्की होती है। अब मैं फिर से इसमें डाल दूंगी अपने सॉयल का मिक्सचर जो कि मैंने बना कर रखा हुआ है। ये देखिए, और हमें इसे दबा कर देख लेना है और साथ ही साथ पौधे को इसमें रख के देख लेना है कि कितने मिट्टी की और हमें ज़रूरत है और ये पौधा कितने नीचे तक जाएगा। ये मैंने डाल दिया है, मैंने इसे दबा भी दिया है, मिट्टी ऊपर आ रही है तो कोई बात नहीं। अब मैं इसमें प्लांट को रिपोर्ट करके देखूंगी।
देखिए मैंने इन्हें प्लास्टिक से निकाल लिया है और अब मैं थोड़े थोड़े से इस मिट्टी को केवल हल्का सा छील दूंगी ताकि यहाँ की मिट्टी में ये एडजस्ट हो सके। ठीक है, और इनकी हाइट भी बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें ये देखिए कितना अच्छा रूट स्टॉक है इसका, देख सक पा रहे हैं चारों तरफ से रूट निकली हुई है, काफ़ी मैच्योर है ये प्लांट, ये अच्छे से लग जाएगा। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाया है। मैं इसमें अच्छे से मिट्टी डाल के फिर से आपको दिखलाती हूँ। अच्छी तरह दबा दबा कर हमें मिट्टी को अच्छे से भर लेना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। कुछ मिट्टी और मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी। ये देखिए अब मैंने इसमें वो सारे तत्व मिला दिए हैं जो एक आम के पौधे को बढ़ने फलने फूलने और मैच्योर होने में पूरी तरह से सहायता करेगा। ये मैंने डाल दिया है, मैंने दबा दिया और अब मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी। पहली बार वाटरिंग पूरी तरह अच्छे से करें ताकि ऊपर से लेके नीचे तक पौधा भीग जाए और ड्रेनेज होल से वाटर निकल आए, ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद अभी मैं इसमें 2 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी क्योंकि इतने अच्छे से मैंने इन्हें फर्टिलाइज़र दे दिया है। इनकी सॉइल पॉटिंग मिक्स मैंने ऐसी बनाई है कि इन्हें किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बस मैं वाटरिंग करती रहूँगी और इसी तरह से आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी कि अभी तो मंजर आ गया है और आगे चल करके ये कैसे फ्रूटिंग करते हैं। इस साल शायद ज़्यादा फ्रूटिंग ना हो पाए क्योंकि ये पहला ही साल है, तो इसके बाद अगले साल तक आप देखेंगे कि मेरा ये पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो या मेरे लिए कोई सलाह हो तो ज़रूर कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।